मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा था कि कोई मुझे भी स्कैम कर पाएगा, सिवाय मेरे दोस्तों के। वो कहते हैं ना, आप कितना भी स्मार्ट बनो, हैकर्स स्कैमर्स वो आपके दुगने स्पीड से काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एज यू नो, मेरा यूट्यूब चैनल नया नया है, कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने सोचा एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर लूँ। तो मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, कुछ साइट्स। तो एज यू नो, ब्राउज़र में जो कुकीज़ होता है वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि आप सर्च करते हो क्या नहीं। तो अगले कुछ दिनों तक बस वही एड्स आपको शो होंगे, फेसबुक में, ट्विटर में, जहाँ पे भी आप जाओ वो एड्स आपको दिखने वाले हैं। तो कल मैं फेसबुक में जब यूज़ कर रहा था, यूट्यूब मार्केटिंग का एक एड दिखा मुझे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल स्कैमर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स, आपने गूगल क्रोम अगर यूज़ कर रहे होंगे तो वेबसाइट में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि साइट सिक्योर है कि नहीं। पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि कोई भी अगर साइट आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालना पड़े, तो उससे पहले आपको चेक करना होता है कि वो साइट सिक्योर है कि नहीं। क्योंकि कुछ साइट्स अगर वो सिक्योर नहीं हैं तो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वो अपने एंड में स्टोर कर सकते हैं और बाद में जाके वो मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो भी चेक किया, उस साइट का सब सिक्योर था। मतलब देख के ऐसा लग भी नहीं रहा था कि इसके पीछे कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। तो स्कैमर्स लोगों को भी पता चल चुका था कि लोगों को बुद्धू बनाने के लिए अब फिशिंग साइट्स यूज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट बन चुके हैं और चेक करते हैं कि साइट सिक्योर है कि नहीं। तो उन्होंने एक अलग ही ट्रिक अपनाया। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, मुझे मेरा एक प्रोडक्ट बेचना है 2,000 रुपये में, और मैं अपना प्लेटफॉर्म फेसबुक को लेता हूँ, मुझे फेसबुक में अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसका प्राइस है 2,000 रुपये। बट मैं अगर 2,000 रुपये लिख के अगर प्रमोट करूँ फेसबुक में तो शायद कम लोग ही आए, इंटरेस्ट दिखाएं। अगर मैं 2,000 के जगह पे 499 या 599 लिखूँ तो कुछ परसेंटेज ऑडियंस को पसंद आएगा, क्योंकि 400-500 लोग सोचेंगे अरे ये तो मामूली सा रकम है, आराम से दे सकते हैं, चलो रिस्क लेते हैं। तो लोग रिस्क उठा लेते हैं। बाद में जब आप पे कर देते हो 500 रुपये उनके वेबसाइट में, तो अचानक से आपको एक नोटिफिकेशन आता है उसी वेबसाइट में कि थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, अब आगे प्रोसीड करने के लिए आपको ये ऑफर लेना पड़ेगा जिसका प्राइस है 499। अभी आप क्या करोगे? पुराने 600 रुपये को बचाने के लिए आप वापस 400 रुपये ऐड कर दोगे। तो इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, जब तक उनका फुल अमाउंट उनको ना मिल जाए तब तक वो आपको इसी तरह से आगे लेते जाएंगे, और आप पुराना अमाउंट को बचाने के लिए आगे आगे और पे करते ही जाओगे। एट दी एंड आपको पता भी नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है आपको मिलेगा कि नहीं, उसका भी गारंटी नहीं, सारे पैसे आपके निकल गए। तो इसी को स्कैम बोला जाता है। एट द फर्स्ट स्टेप बताया नहीं जाता कि आगे और कितने पैसे लगेंगे। तो जो हजारों बंदे ऐसे हैं जो अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं या फिर अपना चैनल प्रमोट करना चाहते हैं, उनको ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 500-600 कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह कर देगा। लेकिन जब 2-3-4 हज़ार की बात आए तो शायद कोई भी सोचेगा। तो इसी तरह से लूटा जा रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कल, मुझे 600 का चूना लगाया गया। तो मैं आपको अभी बताता हूँ मेरे लैपटॉप में कि कौन सा साइट था और कैसे ये सब हुआ। तो गाइस, अभी जो आप देख रहे हो यही था वो एड जो मुझे कल फेसबुक में दिखाई दिया था। तो सिर्फ 599 का कोर्स था ये यूट्यूब का, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए, ये 599 की ही बात है। तो एक्चुअल जो खेल है इसके बाद शुरू होता है। तो जैसे ही मैं इनके दिए गए वेबसाइट में गया, यहाँ ये वेबसाइट का लिंक है, तो ये पेज ओपन होता है। तो ये जनाब यहाँ बताते हैं कि आप महीने के 40 से 50 हज़ार कमा सकते हो अगर हमारा ये कोर्स आपने कर दिया। तो
तो मैंने देखा चलो 600 रुपये की ही बात है, आगे बढ़ जाते हैं। और इससे जाने से पहले आप भी ध्यान रखो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप किसी वेबसाइट्स में करते हो तो पहले वो चेक कर लो कि सिक्योर है कि नहीं। तो सिक्योर करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि लॉक वाला सिंबल है कि नहीं। यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्टली बता देगा कनेक्शन इज़ सिक्योर, सर्टिफिकेट वैलिड है। तो मैंने ये सब भी चेक किया तो वैलिड लग रहा था, और वेबसाइट भी थोड़ा प्रोफेशनली इन्होंने सजाया हुआ था, तो कोई भी बंदा फंस जाएगा इसमें। बाकी एक्चुअल जो गेम होता है इनके बाद स्टार्ट होता है। जैसे मैंने 600 रुपया भर दिया तो नेक्स्ट जो मुझे स्क्रीन आता है वहाँ पे यही बंदा सेम बोलता है कि थैंक यू हमारा कोर्स लेने के लिए, लेकिन आपका चैनल बड़ा करना है तो उससे पहले हमको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसके लिए आपको नेक्स्ट 500 रुपया देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस 600 को बचाने के लिए नेक्स्ट 500 रुपया दे दोगे। तो मैंने फिर इंक्वायरी किया, कुछ बंदे वहाँ पे ऑलरेडी इसके ऐड वाले प्रमोशन में कमेंट कर रहे थे कि ये स्कैमर है, पैसे लूट रहा है। तो मैंने जब उनसे बात किया तो पता चला कि जनाब ऐसे ही आगे भी मांगते हैं। जैसे ही आप 400-500 रुपया नेक्स्ट भर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप इनका रहेगा, आपके लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक वेबसाइट डोमेन होस्टिंग चाहिए जिसके लिए आपको 2000 और देने पड़ेंगे। तो इस तरह से करके टोटल एट दी एंड आप 3-4 हज़ार रुपये जनाब को डोनेट कर दोगे, और एंड में आपको प्रोडक्ट मिलेगा या आपको जो सर्विस है वो मिलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। तो इस तरह से चूना लगाया जा रहा है आजकल, तो थोड़ा सा सावधानी बरते। और ये जो सिक्योर है ये भी चेक किया करिएगा, और मैं आपको डिटेल बता दूँ कैसे चेक करना है। ये अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो बता देगा ये सिक्योर है, लॉक का सिंबल ऐसे दिखना चाहिए। इन केस लॉक का सिंबल नहीं है तो आपको ऐसे दो ऑप्शन और दिख सकते हैं, अगर ये सर्कल वाला आपको दिखा तो समझ जाना ये सिक्योर नहीं है, और अगर ये ट्रायंगल रेड ट्रायंगल दिखा तो समझ जाना ये डेंजरस साइट है। तो इन दोनों से आपको यूज़ ही नहीं करना है, जब भी ये दोनों दिखे वेबसाइट को छोड़ के निकल आना है बाहर। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपको कोई स्कैम नहीं कर पाएगा सिवाय अपने दोस्तों के। और मैंने कुछ यूट्यूब में वीडियोस भी देखे हैं, कुछ लोगों के चैनल भी हैक हुए हैं इस चक्कर में। उनको एक मेल आता है कहीं एक रैंडम ईमेल आईडी से, और वो लोग बोलते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं और आपको हमारा एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और बदले में आपको $100-$200 देंगे। उसके लिए आपको हमारा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। जब वो इंस्टॉल करते हैं तो सारे डेटा स्कैमर के पास पहुंच जाता है और उसको मिसयूज़ करता है। इवन उन बंदों का चैनल भी हैक हुआ है। बाद में वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका चैनल हैक हुआ आप वापस उस बंदे के पास जाते हो, भाई तुम तो स्पॉन्सरशिप देने वाले थे, तुमने तो चैनल ही हैक कर दिया। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाँ हमने चैनल हैक किया है, अगर तुम अपना चैनल वापस पाना चाहते हो तो तुम हमें अभी $100 दोगे। अगर आपने पे कर भी दिया तो कोई भी गारंटी नहीं है कि वो चैनल आपको वापस देंगे, उसके बदले में और पैसा मांग सकते हैं। तो इन सब पचड़ों में ना ही पड़े और अपने एंड से ही थोड़ी सी सावधानी बरते ताकि ये सब ना देखना पड़े आपको, क्योंकि आपकी सारी मेहनत झट से गायब हो जाएगी। आप भी अगर ऐसा करते होंगे कि कोई भी अगर आपका फेसबुक या कोई भी अपना बैंकिंग रिलेटेड साइट से जहाँ पे आप अपना आईडी और पासवर्ड ब्राउज़र के अंदर अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी आप आईडी पासवर्ड ब्राउज़र में सेव करके रख रहे हैं ताकि अगली बार आप जब आपका खुद का पीसी है आप खुद ही लॉगिन करोगे तो बार बार कौन आईडी पासवर्ड मारेगा। तो समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो उसी का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं। तो जैसे ही उनका मालवेयर एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में तो वो सारे उस ब्राउज़र के आईडी पासवर्ड अपने एंड में कैप्चर करके ऑनर को भेज देता है, स्कैमर को भेज देता है, फिर वो मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आईडी पासवर्ड स्टोर ना करें, सेव ना करें, लॉग आउट करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लॉगिन करना पड़े खुद से
फिर से आप आईडी और पासवर्ड मार के लॉगिन करा करिए, और किसी पब्लिक प्लेसेस में जैसे साइबर कैफे वगैरह में गलती से भी ये ना करें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, हालांकि अमाउंट बहुत कम था, तो सोचिए मेरे जैसे हज़ारों को ऐसे लूटते होंगे ये लोग, और एक बंदे से 600 रुपया वो निकाल रहे हैं, तो सोचो इंडिया भर में कितने सारे लोगों को इन्होंने स्कैम किया होगा। तो बस यही आज का मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, आपको भी काम आ सके। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको जानना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टाटा बाय।